मैंने चिल कहना गाल, मैंने लिखा छोटा डॉन पे, अब मैं मैरी तो मैरी तो कौन पे। रैपिंग की दुनिया में ये लड़की बवाल मचा रही है, जो भी इनको सुन रहा है वो इनका फैन होता जा रहा है। आपने इनको MTV के फेमस रियलिटी शो हसल 2.0 में देखा होगा। इनकी रैपिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर भी बहुत तेजी से वायरल हो रही है। लोग इन्हें छोटा डॉन और रैपिंग क्वीन ऑफ द इंडिया कहकर बुला रहे हैं, लेकिन इनका असली नाम सृष्टि तावड़े है और ये 23 साल। इनका जन्म मुंबई में हुआ है और यहीं पर ये बड़ी हुई है। इन्होंने अपनी सारी एजुकेशन मुंबई से की है और ये ग्रेजुएट। सृष्टि एक मराठी हिंदू मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। 2020 की बात है जब इनका ग्रेजुएशन पूरा हुआ था, तो इन्होंने सोचा था कि आफ्टर ग्रेजुएशन मैं कहीं जॉब करूंगी, लेकिन इंडिया में लग गया लॉकडाउन और इनको कहीं भी नौकरी करने का मौका नहीं मिला। ये घर में बैठे बैठे डिप्रेस हो रही थी, तो इन्होंने पेन और कॉपी उठाया और एक पैराग्राफ लिखा। उस पैराग्राफ में इन्होंने ये लिखा कि आज से मैं राइटिंग करना स्टार्ट करूंगी। लेकिन इससे पहले सृष्टि ने कहीं कुछ नहीं लिखा था और ना ही कहीं जॉब करी थी। सृष्टि को नहीं पता था कि उस दिन उठाया हुआ पेन उनका जीवन बदल कर रख देगा। उन्होंने शायरी, गजलें, पोयम लिखना शुरू कर दिया और उन पोयम, गजलें, शायरी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स को सुनाना शुरू कर दिया। आदत तो थी मुझे कि मैं यूं आधे रास्ते रुकूं, कि देख लूं यहां वहां, कि हर नजर से बच सकूं। काहे के काफी कीमती है आबरू लिबास की, नजर में फिर भी आ चुकी है यूं ही कुछ 50 की। 50 में से एक को भी मैंने बुलाया नहीं, बदल बदल यूं रास्ते तो घर मेरा आया नहीं। उनके फ्रेंड ने कहा तुम बहुत अच्छा लिखती हो। इस तरह उनको मोटिवेशन मिला और उनके अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। इन्होंने अपनी पोयम को बुक में छपाना स्टार्ट कर दिया। लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आने लगा, इनकी पोयम चलने लगी। तभी इनके दोस्त ने इनको सजेस्ट किया कि तुम रैप क्यों नहीं करती हो, रैप का ये जवाना है और तुम रैप बहुत अच्छा करोगी। इन्होंने अपने दोस्त के सजेशन को माना और रैपिंग करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने कई यूट्यूब चैनल पर एज अ रैपर परफॉर्म भी किया, लेकिन कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। ऑफिस से घर को निकलने पे रस्ते में सपने कुचल के मैं चलती जाऊं, आगे बिना सोचे समझे कहां जाएगी इन पैरों से। इन्होंने अपने YouTube चैनल पर एक ऑफिस रैप सॉन्ग डाला, जो बहुत अच्छा तो नहीं चला लेकिन सही चला। आज इनके इस YouTube चैनल पर लगभग 32K सब्सक्राइबर है। तभी हसल रियलिटी शो का ऑडिशन चल रहा था, इन्होंने वहाँ पर ऑडिशन दिया और ये सिलेक्ट हो गई और आप नजारा देख ही रहे हैं। इनका हर एक रैप बहुत तेजी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। हर कोई इन्हें सुनकर यही कह रहा है कि ये है रैपिंग की दुनिया की क्वीन, ऐसी पहली लड़की है जिसने रैपिंग की दुनिया में बवाल मचा के रखा है। इंस्टाग्राम पर भी इनके फॉलोअर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी इनके इंस्टाग्राम पर 336K फॉलोअर्स हैं। आप ये वीडियो देखकर जब इनके इंस्टाग्राम पर पहुंचोगे तो ये आंकड़ा बहुत तेजी से बदल चुका होगा। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आपके अंदर भी ऐसा कोई टैलेंट है तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। इनके लिए इस वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर करिएगा शेयर। आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है और अभी तक हमारे चैनल को किया नहीं सब्सक्राइब तो क्या कर रहे हो। हम लोग ऐसे ही अमेजिंग और रियल वीडियोस लाते रहते हैं। ऐसी अमेजिंग